चंडीगढ़ में इंडिया गठबंधन की जीत पर आम आदमी पार्टी का जश्न। इंडिया की पहली जीत से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह। इंडिया गठबंधन की पहली जीत के साथ हुई शुरुआत। आम आदमी पार्टी जिला की कार्यकारिणी ने झज्जर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार कुलदीप कुमार की जीत पर जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ जिला पार्टी कार्यालय में धूमधाम से जीत की खुशी में लड्डू बांटे गए। सभी कार्यकर्ताओं ने उत्साह में एक दूसरे को बधाई दी। जिला अध्यक्ष हरीश कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से लोकतंत्र की जीत हुई है, इंडिया गठबंधन की भी जीत की शुरुआत हुई है। दिल्ली और पंजाब के बाद चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी का राज होगा। इससे साबित होता है कि बीजेपी को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर हरा सकते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनावों में जीत से जनता में ये विश्वास बढ़ा है कि बीजेपी को इंडिया गठबंधन हरा सकता है। पूरे देश ने देखा था कि कैसे बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया था। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ के बाद 2024 में हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आम आदमी पार्टी की जो जीत हुई है उसको लेकर क्या कहना है? ये जो आज इंडिया गठबंधन की पहली जीत जो मिली है, पूरे देश ने देखा है कि भी कैसे एक तानाशाह लोगों के निवाले से ये जीत अरविंद केजरीवाल जी छीन के लाए हैं। और आज ये जो जीत है, इस जीत ने पूरे देश को ये बता दिया है, पूरे देश ने देखा है कि कैसे उच्च न्यायालय ने तानाशाही के ऊपर एक तमाचा मारा है कि एक छोटे से चुनाव में एक बहुत बड़ी पार्टी का अध्यक्ष ऐसे विक्ट्री का निशान दिखा करके, और जब एक मेयर बनता है तो कैसे, और आज उन लोगों को क्या संदेश मिला होगा, आज उन लोग वो लोग क्या सोचते होंगे, और देश आज उनको क्या मैसेज दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, ये आज उन लोगों को सोचना चाहिए। आज उनके लिए ये डूब मरने जैसी एक स्थिति है कि आज भारतीय जनता पार्टी कहीं जहाँ 400 पार होने का नारा दे रही है कि हम 400 पार करेंगे, तो जो 400 पार होगी तो पूरा देश देख रहा है ये 400 पार कैसे होंगी और किस तरीके के हालात देश के अंदर होंगे। आज पूरे देश में ये जो कल जो जीत उच्च न्यायालय ने दी है कि एक जो अनिल मसीह है वो एक छोटी सी मछली है, जो मगरमच्छ कोई और है, क्योंकि ये पूरी जांच इसकी होनी चाहिए। आप देखिए ये जहाँ तक जांच पहुंचेगी, क्योंकि अब जो मामला वो सर्वोच्च न्यायालय में है और सर्वोच्च न्यायालय में सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किन किन लोगों के सह पर ये काम किया गया था और कौन ऐसे लोग थे जिनके सह पर ये मेयर बनाया गया था। और एक तानाशाही जो लोकतंत्र है इस देश के अंदर, एक लोकतंत्र के ऊपर पूरा देश चल रहा है, और उस एक लोकतंत्र को ठुकराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उस लोकतंत्र पर कैसे कल सर्वोच्च न्यायालय ने जीत दी कि भाई जो असली चीज़ है, जो असली जीत है, जो असली न्याय की बात है, वो लोकतंत्र की जीत होनी चाहिए, ना कि तानाशाही की जीत होनी चाहिए। तो आज पूरे देश में ये खुशी का माहौल भी है, और एक साथ साथ हमारे सामने एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी भी है कि हमारे देश का किसान, हमारे देश के किसान को ऐसे घोषित कर दिया गया जैसे हर एक राज्य एक भारत और पाकिस्तान की सीमा बना के छोड़ दिया गया है, कि सिर्फ वो जो किसान हैं वो अपने जो उनको वायदा किया गया था, एक उनको भरोसा दिया गया था, सिर्फ उसको याद दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी के पास आ रहे हैं। तो ये जो खुशी का माहौल है और एक तरफ दुख भी है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, जब किसानों की सारी मांगे पूरी होंगी तो बहुत अच्छे से आम आदमी पार्टी पूरे देश में बहुत बड़ा एक जश्न मनाएंगे हम लोग, और उसी तरीके से पूरे देश के अंदर जो आज ये जो एक इंडिया गठबंधन की पहली जीत हुई है, इसके लिए तमाम हमारे पदाधिकारी साथियों को, क्रांतिकारी कार्यकर्ता साथियों को, सबको, सभी इंडिया गठबंधन के जितने भी तमाम हमारे पदाधिकारी साथी हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हरीश जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और आम आदमी पार्टी वहाँ चंडीगढ़ मेयर चुनाव में विजेता घोषित की गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने जो लोकतंत्र की हत्या हो रही थी उस पर अपना जल्द से जल्द निर्णय लेकर ये दिखा दिया कि अभी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे तानाशाही पूरी तरह बीजेपी की हुई नहीं है, कोर्ट जिंदा है। हम चार बार चंडीगढ़ के चुनाव में, एक छोटे से मेयर के चुनाव में, 14 लाख चंडीगढ़ की वोटें हैं, हाँ एक छोटे से चुनाव में डीजीपी ने अपना दिखा दिया था, 36 वोटों में से 8 वोटों पर
अपनी तनाशाही करके ये साबित करना चाह रही थी कि हम इस प्रकार से जीत रहे हैं। अब आने वाले समय में आप देखना जी, जैसे विधानसभा के चुनाव होते हैं, सारे चुनाव होते हैं, तो ये कितनी बड़ा घपला करते हैं। ये इन्होंने जनता से कुछ लेना नहीं, इन्होंने बेरोजगारों से कुछ लेना देना नहीं, इन्होंने कोई भाईचारे से कुछ लेना देना नहीं, इन्होंने धर्म से कुछ लेना देना नहीं, बस इन्हें तो अपनी तानाशाही चाहिए। यहाँ पे जो तानाशाही सरेआम है, आज किसान दुखी है, आज बेरोजगार दुखी हैं, आज युवा दुखी हैं, आज बुजुर्ग दुखी हैं, आज महिलाएँ दुखी हैं, हर जगह हर चीज़ का इस राज में, बीजेपी राज में शोषण हो रहा है।